अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लाइव विद शोना फैमिली चैनल। आज हम ट्राई करने जा रहे हैं पिज़्ज़ा सैंडविच, और उसके लिए हमें चाहिए मायनीज, केचप, 3 अदद अंडे, ब्रेड और चॉप किए हुए वेजिटेबल्स, आप जो चाहे ले सकते हैं, चेडर चीज़। अंडों का मैं अंडों को फेंट लूँगी उसमें काली मिर्च और नमक डाल के, और आप जो चाहे ऐड करना चाहे कर सकते हैं। ये सिर्फ लाइव हैक है जो हम अपने घर पर ट्राई कर रहे हैं, ठीक है, और हम आपको बताएंगे कि कैसा बना है और कैसा नहीं। फिर आप भी अपने घर में ट्राई करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलें जी, बहुत प्यार से आपने ये अंडे तोड़े, बहुत ही प्यार, बहुत ज़्यादा प्यार से। चल, जब ये आप तीनों अंडे तोड़ लें तो आपने इसमें डालना है क्या, आपको बताती हूँ। नमक था या हाथ में, इमाम जल्दी से उठा के ले आई। ये हमने डालना है 1/4 टीस्पून इसमें नमक। चले जी, बॉल थोड़ा सा चटका हुआ था, मम्मा ने बोला अरे ये तो चटका हुआ है, इसमें से तो सारे तुम्हारे अंडे बह के कब निकल जाएंगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तो फिर हमने वो चेंज कर दिया है। तो यही 1/4 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर पाउडर लिया है, और बस आपने इसको फेंट लेना है। भैया मैं आपको एक ऐसी चीज़ बना के दे रही हूँ अच्छी सी, आप खुश हो जाएंगी, बस वो है, रोना नहीं है। चीज़ी सैंडविच, पिज़्ज़ा सैंडविच। ये ली है मैंने चेडर चीज़, ये वाली, और आप मोज़रेला भी ले सकते हैं, कोई से भी ले सकते हैं, ये आप ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। मैंने चेडर चीज़ ली, इसको मैं ग्रेट कर लूँगी। ये मैंने चीज़ को ग्रेट कर लिया है, आप इस तरह ग्रेट कर लीजिएगा। और अब हमें चाहिए 1 स्लाइस 1 अदद। चलो फ्लेम को ऑन करेंगे और इस पर रखेंगे फ्राई पैन, और जो हमने अंडे फेंटे हैं उसकी हमने तैयारी करनी है। ऊपर चले, ये हमने इसमें डालना है थोड़ा सा ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा डालिएगा, या अगर आपके पास ब्रश हो तो आप ब्रश कर लें, बटर से, ऑयल से, एज यू विश। हमने उसमें बटर में देखा था लेकिन हमारे पास बटर नहीं था हैक में, तो हमने फिर ऑयल ले लिया। एक बार आपने एक और फिटा लगा के इसको बिस्मिल्लाह पढ़ के डाल देना है, बिस्मिल्लाह है, कामयाब हो जाए, एक्सपेरिमेंट कामयाब हो जाए, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अच्छा सा बन जाए, बच्चे खुश हो जाए, फातिमा खुश हो जाए, बस और क्या चाहिए। अंडा अंडा हाँ, पिज़्ज़ा सैंडविच। इसको स्लो फ्लेम पे पकाएंगे ताकि नीचे से ये जले नहीं और हमारा सारा बड़ा लंबा चौड़ा बन जाए, ताकि इसको हम फैला लेंगे, और इसको हम पूरा फैला लेंगे ताकि ये पतला पतला सा बहुत सारा हो जाए, सब में पूरा हो जाए ताकि ये सब में पूरा हो जाए। इसको ऐसे, और जब आपके घर में बंदे कम हो तो आप बिना फैलाए भी बना सकते हैं, नहीं अगर ज़्यादा खाने का दिल चाह रहा होगा तो ऐसे भी बना सकते हैं, ये भी हो सकता है भाई, हमारा तो ठीक है। चलो चलो, ये छोटा सा चुमटा रखा हुआ है जिसमें हमने छोटे छोटे कामों के लिए ट्राई करके देखते हैं, अगर ये पूरा इससे हो गया तो वैसे मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, थोड़ा बहुत। ओ शिट। चले जी, ऑमलेट आपका बन गया है। तो जी ऑमलेट को आपने करना है साइड में, और फिर आपने लेना है एक प्याली में हमने लेना है केचप, ठीक है, और आपने लेना है उसमें मायनीज़, और उसमें मायनीज़ डालने के बाद आपने उसमें आपने डालने हैं थोड़े से 1/4 टीस्पून इसमें आपने लेना है ओरिगानो पाउडर, ठीक है, और इसमें हमने डालना है 1/4 टीस्पून ही चिली फ्लेक्स, और आपके पास थाइम और मिक्स हर्ब्स हो या पेरी पेरी मसाला हो जो भी हो आप सब ऐड कर सकते हैं, हमारे पास जो था हमने डाल दिया। इसको हम करेंगे मिक्स, हाँ
जी हमने लेना है एक अदद स्लाइस और उस पर हमने लगाना है ये जो हमने इजी एंड क्विक पिज़्ज़ा सॉस हमने जो बनाया है क्विक एंड इजी पिज़्ज़ा सॉस, ये हमने इस पर लगाना है अच्छी तरह। इसको अच्छी तरह स्प्रेड कर देंगे आप इसके ऊपर, एक भी कोना नहीं रह जाए क्योंकि ये जो साइड के जो मोटे पीसेस होते हैं ना भी इनको ही खाना मुश्किल होता है, भले आप साइडों पर ज़्यादा लगा दें बीच का रहने दें क्योंकि बीच की ब्रेड जो है खाली जाती है और पिज़्ज़ा का जो डो होता है वो भी बीच का आराम से खाली जाता है, साइडों पे ही मसला होता है और लोग साइड ही छोड़ देते हैं। चलिए जी और इस पे आपने रखने हैं इस तरह लाइन से ऑमलेट, ठीक है जी, छोटे छोटे पीसेस करके आपने जो है इस पे रख देने हैं, जहाँ जहाँ तक आप कवर कर सकते हैं इसको कर दें, ठीक है। मैंने इस तरह इसको कवर कर दिया है, ठीक है। फिर इसके अंदर हमने डालना है वही जो हमने वेजिटेबल्स कटिंग किए थे, टमाटर और प्याज जो मैंने चॉप कर लिए थे, आपके पास कैप्सिकम हो कैबेज हो जो मर्जी हो आप डाल सकते हैं, सब कुछ आप इसमें डाल दीजिएगा, सब कुछ ऐड कर सकते हैं आप। और इसके बाद हमने इसमें डालना है जो हमने स्प्रेड किया था चीज़, वो हमने इसमें डालना है। तो इस तरह आपने इस पर ये वो डाल लेना है चीज़, सॉरी। और फिर आपने क्या करना है काम, थोड़ी सी आपने इसकी गार्निशिंग के लिए या आप जो मर्जी समझे, तो इसमें आपने डालना है थोड़ा सा ओरिगानो, पिंच ऑफ ओरिगानो, ठीक है। और ओरिगानो के बाद आपने डालनी है इस पर पिंच ऑफ चिली फ्लेक्स, ठीक है। फिर फ्राई पैन को आपने दोबारा गरम कर लेना है, इसको आपने दोबारा गरम करना है फ्राई पैन को, और जो है आपने डालना है इस पर दोबारा ऑयल, और ब्रश हो तो ब्रश कर लीजिए, वही दोबारा रिपीट करने के बाद पागल हो गई मैं दोबारा। और आपने इसी फ्राई पैन में आपने क्या करना है इसको रख देना है ब्रेड को इस तरह, ठीक है। और आपने इसके बाद क्या करना है, आपने इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे करने के बाद आपको इसको आपने ढक देना है इस तरह, आपने इसको पूरा कवर कर देना है 5 या 10 सेकंड्स के लिए, आपने इसको बनाना है सिर्फ सब कुछ क्या कहते हैं सिर्फ आपने चीज़ मेल्ट करनी है बस। वेट वेट वेट, चलिए हमने एक और जो है बना लिया है ईमान के लिए, ईमान को चीज़ इतनी पसंद नहीं है तो चलिए हमने एक और बना लिया है, एक हमने फ्राई पैन में बनाया है, एक हम में बना माइक्रोवेव में बनाएंगे, और इसको मैं माइक्रोवेव में सॉरी ओवन ओवन निकले जा रहा मुँह से, और इसको हम डालेंगे माइक्रोवेव में, माइक्रोवेव हम ऑन कर लेते हैं, और हमने इसको रखना है 30 सेकंड्स के लिए, देखो 30 सेकंड्स के लिए हमने इसको रख लिया। अब ये वाला हो चुका है कंप्लीट रेडी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इसकी शक्ल, करीब से दिखाओ ना, ये देखिए ऐसा लजीज, आपके पास और ऑलिव्स जैलपिनो जो कुछ भी हो आप सब इसमें ठूस दें, ये और अजीब ओ मेरा मतलब है कि अच्छा बनेगा। चले जी इस तरह आपने निकाल लेना है इसको प्लेट में डरते डरते, ठीक है। और यही हमारा ऊपर ये वाला भी तैयार हो गया, दिखाओ ये ओवन में हमारा भी ये एक और तैयार हो गया, है नहीं हुआ इसको और 30 सेकंड के लिए रख दे, पूरे 1 मिनट के लिए रख दे भाई, एक्सपेरिमेंट ऐसे ही होते हैं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त बना है। और ये हम लेके जा रहे हैं मम्मा रेडी, चलो ये हमारा हमने रेडी कर लिया है और अब हम जा रहे हैं मम्मा की तरफ, ओ मम्मा को देना सॉरी। सबको दे दिया फिर आपको दिया ईमान को और अभिहा को, तो बचा कौन, मैं अनु और तुबापी। मम्मा अंग्रेज बन गए, मम्मा हाथ उठाए और खा ले, इतना बड़ा है हाथ से तो उठा के खाते ही उसको, लो लो देखा मैं कह रही थी नहीं मैं कुछ और समझी थी, मैंने बोला शायद ये सख्त होगा बहुत टूटने में परेशानी होगी, लेकिन मम्मा सही है ना सॉफ्ट है ना, टोस्ट टाइप हो गया ये तो, और इस पे लिखा हुआ पिज्जा सैंडविच, अरे मम्मा मुंह तो बुरा आ रहा है।
मम कैसा? जबरदस्त जबरदस्त। हां थम्स अप। मम थम्स अप देते। थम्स अप। और आप अपने मोबाइल से भी करना मत भूलिएगा। चले जी ये वाला भी हो चुका है रेडी। जी 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 ये देखें इसकी शक्ल। अबे स्किनी इसकी जबरदस्त। और ये हो चुका है जो मर्जी ले ले। इमान आइन कौन लेगा ये? तो आप भी बनाइए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।